तो दोस्तों अभी हम लोटस टेंपल की पार्किंग में, और यहाँ का पार्किंग एरिया आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ही पार्किंग एरिया है। और पीछे की साइड में है स्कूटी बाइक की पार्किंग और ये ऊपर है बस पार्किंग। तो आप को यहाँ पे पार्किंग की किसी भी तरह से यहाँ दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। तो अभी बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑलिमन साइमन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आए थे लोटस टेंपल, जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं लोटस टेंपल है। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले लोटस टेंपल को, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर ले। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे कितना क्राउड है और इस साइड भी क्राउड आप देख सकते हैं, तो काफी तादाद में यहाँ पे लोग हैं। और बात करें दिन की, तो दिन है आज संडे। तो जैसे कि आपको पता है संडे के दिन हर टूरिस्ट प्लेस पर भीड़ होती है। और अगर दोस्तों बात करें यहाँ के नियरेस्ट मेट्रो की, तो नियरेस्ट मेट्रो आपको पड़ने वाला है कालका जी। और बात करें अगर यहाँ के टिकट प्राइस की, तो टिकट प्राइस बिल्कुल जीरो है, फ्री टिकट है। तो आप किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं और 6 बजे की लास्ट एंट्री है। तो दोस्तों लाइन आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है, पीछे की तरफ आपको दिख रही होगी ये आइसक्रीम की रेडी, वहां से लाइन शुरू है। और ये लाइन बिल्कुल अभी आगे तक है करीब, और बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन है। और सोनम को हमने लाइन में लगा दिया था जिससे कि हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नंबर हमारा थोड़ा जल्दी आ जाएगा। और गेट अभी बहुत आगे हैं। तो दोस्तों यहाँ से हो रही है लोटस टेंपल के लिए एंट्री, और लाइन आप देख सकते हैं कितनी लंबी है। एंट्री गेट अभी और आगे, और लाइन आप देख सकते हैं वो पीछे आइसक्रीम की रेडी है, वहाँ से लाइन स्टार्ट है। और तो जो आज सोनम मिल गए हमें, सोनम कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? तेज स्पीड में लाइन लग रही है, तो मतलब लाइन ठीक ठाक चल रही है ना। तो आपको मैंने दिखाया था पीछे जो आइसक्रीम की रेडी है, वहाँ से सोनम को लाइन में मैंने लगा दिया था। और आपसे पहले पहुंच गए आप स्कूटी? अरे मेरे जब तक मैंने स्कूटी पार्क पे करी, और करीब मतलब थोड़ा ना सुना है जहां अब सा दूर और ही रह गया गेट, हार्डली 5 मिनट और हमें यहां से और लगेगा एंट्री करने के लिए। तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं, भीड़ काफी ज्यादा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, क्योंकि आज है संडे, और संडे के दिन आपको पता है हर टूरिस्ट प्लेस पे भीड़ ज्यादा रहती है। तो अभी हम एंट्री करते हैं, और एंट्री करने के बाद कैसा व्यू हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा हम आपको दिखाते हैं। तो चलते आगे। तो दोस्तों अभी करने वाले थोड़ी देर में हम एंट्री, और यहाँ पे अनाउंसमेंट चल रही है कि खाने पीने का सामान अंदर अलाउड नहीं है। तो आप बिल्कुल ही ध्यान रखें कि खाने पीने का कोई भी सामान अंदर ना ले जाए। तो अभी करते हैं हम एंट्री, और एंट्री थोड़ी ही देर में हम करने वाले हैं, और वीडियो का भी यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि आगे सिक्योरिटी चेकिंग की वजह से शायद हो सकता है वीडियो ना भी बनाने दे। तो दोस्तों ये है हमारा एंट्री गेट, उस साइड है लोटस टेम्पल, करने वाले हम एंट्री। तो दोस्तों अभी हम कर गए एंट्री, और ये पीछे वाले गेट से हमने एंट्री करी थी, और ये बैक साइड में हमारे क्या रे भीख मंग गया है लोटस टेंपल। और एक बार आप यहां का व्यू चेक कर सकते हैं, और काफी क्राउड यहां पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि आज है दिन संडे, और संडे के दिन हर टूरिस्ट प्लेस पे अधिकतर भीड़ रहती है। सोनम करीब मतलब इतनी लंबी लाइन होने के बाद भी नंबर करीब 15 मिनट में तो आ गया था हमारा, 10 मिनट में मतलब एंट्री हमारी हो गई थी, और लाइन काफी लंबी थी। तो मतलब आप कभी भी आए और अगर इतनी लंबी आपको लाइन मिले तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि लाइन जो है बहुत फास्ट चलती है, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। और साइमन हमारा मस्ती करते और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। तो
करो। कैरोलिना और मैं मस्त मारते हुए, और आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, बहुत ही शानदार व्यू है। और अभी शाम के 5 अभी बज रहे हैं, और उस साइड है लोटस टेंपल, अभी जाएंगे वहाँ पे और पास से भी जाके आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों एक बार यहाँ के नज़ारे आप चेक कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट साइड में हमारे दोनों साइड पार्क है, और सामने है लोटस टेंपल, और आगे की तरफ आप भीड़ देख सकते हैं, और पीछे की साइड भी आप भीड़ देख सकते हैं। तो काफ़ी तादाद में यहाँ लोग आते हैं। As we were not able to maintain the dignity of the prayer hall because we are receiving a heavy number of visitors today, the prayer hall is closed for today. We request you to cooperate with us, walking from your right hand side, clicking a few pictures, slowly you may proceed towards the exit area. We request you to please take care of your children. तो दोस्तों हमने जब से एंट्री करी है सिर्फ लाइन में ही चल रहा है, गेट से लेकर पीछे लोटस टेंपल तक सिर्फ लाइन ही लाइन है, और अभी आपको पास से चल के भी दिखाते हैं। और साइमन हेलो, तो अभी चल रहे हम आगे की तरफ, और देखते हैं अगर हमें अंदर एंट्री मिलेगी तो अंदर की तरफ से भी आपको एक व्यू दे देंगे, और कैसा अंदर से दिखता है आपको दिखाएंगे। और एक बार आप यहाँ के व्यू चेक कर सकते हैं बैक साइड से, और भीड़ तो ऐसे ना मुझे तुम देखो यार काफी है, और काफी अच्छा भी लग रहा है, खुला खुला सारा और ग्रीन ही ग्रीन चारों तरफ। तो अभी ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हैं काफी लोग वहां पर है, और अभी हम भी चल रहे हैं उस साइड। सोनम ये रही सोनम, भीड़ तो बहुत है, भीड़ तो रहेगी, संडे है, टूरिस्ट प्लेस पर हमेशा संडे के दिन भीड़ रहती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ से हमने लाइन शुरू करी थी, और यहाँ से होते 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 अब हम पहुँच गए हैं कमल मंदिर के पास, और इस साइड अभी स्टेयर, अभी चलते आगे की तरफ। तो जब लोटस टेंपल की तरफ हम एंट्री करते हैं स्टेयर से ऊपर जाने के बाद कुछ इस टाइप का व्यू हमें मिलता है। और दोनों साइड हमारे पानी ही पानी है। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री करने के बाद जो हमारे राइट और लेफ्ट साइड में ये वाटर पॉइंट जो पड़ता है, इसके अंदर लोग पॉइंट्स भी डालते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, क्योंकि यहाँ की ये मान्यता है। तो सोनम भी अपनी मनोकामनाएं मांग रही है, और ये इसके हाथ में कॉइन है। और ये सोनम ने ड्रॉप कर दिया। तो अभी आपको दिखाते हैं बच्चे भी यहाँ कॉइन डालने वाले हैं। इधर दिखाइए ऐसे करके, दिखाइए ऐसे ऐसे करिए। तो अभी आप देख सकते हैं बच्चे के हाथ में कॉइन, अभी अंदर पानी में ड्रॉप करेंगे, और ये ड्रॉप कर दिया है।
और तो काफ़ी यार अच्छा लगता है, काफ़ी चीज़ को भी लोग इंजॉय कर रहे हैं। अभी चलते हैं हम आगे की तरफ। दोस्तों अभी अंदर की साइड से तो एंट्री कर दी है बंद, जितना हो सके उतना मैं कोशिश करता हूँ आपको बाहर से दिखाने की। तो कुछ इस टाइप का व्यू अंदर से देखने के लिए मिलता है। अंदर एंट्री देते हैं लेकिन अभी बंद कर दिया है। तो देखते हैं, सोनम भी देख रही है, अगर उसे कुछ दिखता है तो पूछते हैं, हमें बताएगी वो। सोनम क्या दिख रहा है अंदर? अंदर बहुत सारी टेबल दिख रही है बैठने के लिए। तो अंदर टेबल बेंच लगी हुई है अंदर, मगर जाने के लिए इतना अच्छा सुंदर बना है अंदर तो। मतलब काफी अच्छा लग रहा है अंदर की तरफ से। हाँ। लेकिन एंट्री जो है अभी वो बंद कर दी गई है, पब्लिक ज्यादा इसलिए क्योंकि टाइम होने वाला है, अभी करीब 5:30 हो गए और एंट्री जो है वो बंद हो जाती है 6 बजे। और एक बार इस साइड से भी आपको दिखा देता हूँ मैं। कुछ पता नहीं चल पा रहा, आप देख सकते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ काफी सारी बेंचें लगी हुई है और अंदर की तरफ एंट्री कर दी है बंद, और सभी लोग बाहर से ही इसे एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी सोनम से कैरोलिना ने मांगा है पर्स और कैरोलिना ने टांग लिया है पर्स, आप देख सकते हैं। इधर दिखाओ। जितनी बड़ी कैरोलिना उतना बड़ा पर्स। कैरो और साइमन हमारा नाराज है, साइमन नाराज है। साइमन को चाहिए टॉय, ऐसे करते। साइमन को चाहिए टॉय। कौन सा टॉय? गेमिंग जोन चले? हाँ साइमन, गेमिंग जोन चले हम। कह रो हाय, गिर जाता। तो दोस्तों साइमन हो गया है नाराज, और क्योंकि इसे बाहर एक टॉय पसंद आया था वो अभी हमने नहीं दिलाया क्योंकि अंदर की तरफ अलाउड नहीं था लोटस टेम्पल में, तो इसलिए हम साइमन को जाते वक्त दिलाएंगे। ठीक है साइमन, अभी यहाँ से जब हम बाहर की तरफ निकलेंगे तब आपको दिलाएंगे। ठीक है साइमन, चले। सोनम से बोला था टॉय के लिए। भाई मैंने इसको दिलाने के लिए मना नहीं करा, मैं इसको बोरी में दिला दूंगी, पक्का दिलाऊंगी, प्रॉमिस कर दे। देखो साइमन, प्रॉमिस कर रहे हैं। तो इसको हम टॉय दिलाएंगे बाहर निकलने के बाद। और कैरोलिना मांगने वाला बच्चा बैठा है। मेरी बेटी अच्छी है, बेटी खुश रहती है हमेशा। कहीं बहुत अच्छा बच्चा है, कहीं पे भी जाती, कहीं पे कुछ नहीं मांगती, एंजॉय करती है फुल जब भी हमारे साथ जाती है। थक जाती है जब गोदी चाहिए। अभी थोड़ी देर में गोदी आने वाली है, बस ये मम्मा गोदी है ना। तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी मजा हमें यहाँ पे आ रहा है, और फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे विजिट करा है और काफ़ी अच्छे यहाँ के नज़ारे हैं। एक बार आप भी चेक कर लीजिए पीछे बैक साइड में। और
सोनम है पीछे, साइमन के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आ चुकी है। साइमन 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 पानी में पड़ा है, है पानी में नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम से साइमन को हम अपने साथ नहीं लाने वाले, क्योंकि साइमन छोटी छोटी बातों पे हो जाता है नाराज, और हमारे साथ रहेगी हमेशा कैरोलिना। कैरो कैरो है ना, हम बहुत सारी मस्ती करते हैं ना, बहुत सारी। कैरो जीत गया हो और सेकंड कालू मदारी आया काला अपना भालू लाया, दोस्तों साइमन आ चुका है मेरी पेड्डी पे, क्योंकि ये बुड्ढा हो गया और जल्दी से ये थक गया है ना साइमन, साइमन थक गया। तो दोस्तों अब इस साइड हो गया एंड, और इस साइड से करेंगे हम एग्जिट, अभी चलते हैं हम बाहर की तरफ। तो दोस्तों सोनम के हो गए ड्यूटी शुरू और कैरोलिना आ गई सोनम की गोदी में, और हाय कैरोलिना, हाय हाय कैरोलिना, देखो कैसे करी, हाय कैरोलिना, एक बार और हाय बोल दो पहले, इसने हाय बोल दो फिर नीचे छोड़ दूंगी, हाय बोल दो जोर के, हाय। तो अभी हम चल रहे बाहर की तरफ और एग्जिट गेट थोड़ा ही दूर रह गया है, और काफी मजा आया यहाँ घूम के और काफी अच्छा लगा करीब। तो दोस्तों वीडियो को करते यहीं पे एंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।